हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने आपका पैसा पिछले दो सालों में, जी हां, दो सालों में आपका पैसा 8 से 9 times कर दिया है। जी हां, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्ट करने का या अब समय आ गया है इससे पैसा निकालने का? आईटी सेक्टर का है वो स्टॉक, आपके सामने नाम भी है। जी हां फ्रेंड, उस स्टॉक का नाम है माइंडट्री। काफी खुश? जी हाँ, बहुत लोगों ने, बहुत इन्वेस्टर ने जंप करके पैसा बनाया। क्या अभी भी टेक्निकल इसका कहता है कि और पैसे डालो या इसका टेक्निकल ये कहता है अब हो गया भैया पैसे निकालो? सब कुछ जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले फ्रेंड, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, दूसरों के साथ शेयर भी कर देना ताकि स्टॉक मार्केट की हर जानकारी आप तक, आपके कलीग्स तक, आपके चाहने वाले तक, आपके फ्रेंड्स तक, फैमिली तक, हमारे चाहने वाले तक, हमारे श्रोताओं तक, सब तक पहुंचे। जी हाँ, इसी के लिए तो है हमारी टीम एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी की। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का एनालिसिस और जानते हैं कि ऐसा क्या खास है माइंडट्री में। बाई करना है तो कौन से प्राइस पे, अगर सेल करना है तो कौन से प्राइस पे, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। ये आपके सामने फ्रेंड माइंडट्री का चार्ट है। यहां पे माइंडट्री क्लियर इंडिकेटेड है। इस आज का जो स्टॉक है हमारा माइंडट्री, जी हाँ फ्रेंड माइंडट्री, माइंडट्री का स्टॉक किस तरह से परफॉर्म किया है आप देख रहे हो। पिछले साल लगभग 2020 के फेब में लगभग ये इसका स्टॉक प्राइस अगर इसके लो से उठाए तो लगभग 650 के आसपास का चल रहा था। ओके, 678 के आसपास चल रहा था, ठीक है। वहां से इसने जो छलांग लगाया फ्रेंड, लगभग इसने अबाउट 4900 तक पहुंचा ये। उसके बाद से एक डाउनफॉल यहां पे हमें देखने के लिए मिला। हमें ये जानना है कि ये जो राइज है और ये जो फॉल है, यहां पे जिन्होंने पैसा बनाया उन्होंने आखिरकार पैसा कितना बनाया, और इन्होंने जिन्होंने अभी तक पैसा गवाया वो अभी तक गवा रहे हैं, और आगे कहां तक उनका लॉस जा सकता है। जो ये होप में बैठे हैं कि भैया काफी ज्यादा फॉल हो गया ये तो अब यहां से रिवर्स होना चाहिए, तो क्या उनका एजम्पशन सही है, उनका प्रेडिक्शन कितना हद तक सही है, जिन्होंने पैसे बनाए आखिर उनके पीछे रीजन क्या है, तो अपने इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। शुरू करते हैं जीरो से और पता लगाते हैं कि भाई साहब आखिर इस राइज का रीजन क्या। जब कोरोना स्टार्ट हुआ फ्रेंड, ठीक है, लॉकडाउन लगा, उसके बाद लगभग ये जो हमारे पास प्राइस है ये लगभग फ्रेंड अराउंड 1100 के आसपास चल रहा था। ओके, 1100 के आसपास चला, उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन लगा पूरे मार्केट में, हर जगह लॉकडाउन लगा, पूरे इंडिया में लगा, पूरे इवन पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन का माहौल था, ठीक है। तो ये प्राइस लगभग 50% से डाउन हो गया और अराउंड 678 पे आकर के इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद से इसकी जर्नी शुरू हुई। आप बोल सकते हो ऐसा कि पूरे स्टॉक मार्केट की जर्नी एक बुल रन, एक खतरनाक बुल रन यहां से स्टार्ट हुआ। नॉट इवन माइंडट्री, आईटी स्टॉक्स, जितने आईटी स्टॉक्स हैं सब ने आपको पैसे बना करके दिए हैं, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे वो टीसीएस हो, सब ने, ठीक है। माइंडट्री का हाल तो आपको पता ही है, चाहे वो एससीएल हो, चाहे वो विप्रो हो, जिससे प्रॉफिट और डिविडेंड के अलावा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि भैया ये एक रेंज में घूमता है, ये इससे इतना ज्यादा, उन्होंने भी 4 से 5 गुना प्रॉफिट आपको 2 साल में दिया प्लस डिविडेंड। जी हाँ, इनका रीजन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉस्ट लगता है काफी बचत हुआ है इनका फ्रेंड, प्लस जो हमारी करेंसी है उसके कारण इनको काफी बेनिफिट हुआ।
हमारे वीडियो में USDNR के लाइव सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि IT और USDNR को कैसे कोरिलेट किया गया है और उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। आपको IT सेक्टर में किसी भी स्टॉक में स्ट्रेटजी बनाने में काफी हद तक मदद भी करेगा। आइए यहां पे चलते हैं। उसके बाद से यहां एक जर्नी शुरू हुई और ये खतरनाक सी जर्नी चलता गया और लगभग 4900 तक पहुंचा। कहीं कोई मेजर करेक्शन नहीं, कहीं कोई मेजर, और ये पूरा का पूरा IT सेक्टर के हर कंपनी में लगभग लगभग देखने के लिए हमें मिला है, पूरा IT इंडेक्स बूम पे। ओके नाउ, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब मार्केट एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड हो गया तो यहां से इसका एक डाउनफॉल शुरू होना शुरू हुआ। ओके, नॉट इवन वी कंसीडर, सिर्फ माइंट्री में ऐसा नहीं हुआ, IT के सारे स्टॉक्स में इवन IT इंडेक्स खुद काफी ज्यादा डाउन आने लगा। तो ये इसका रिजल्ट है कि ये टूटता लगभग 3600 पे आकर के सपोर्ट लिया। अब हम जानते हैं कि भैया ये जो 3600 पे सपोर्ट लिया, इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे क्या कारण रहा। फ्रेंड पहले भी देख सकते हो, एक बार यहां पे इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से सेकेंड टाइम यहां एंड थर्ड टाइम यहां, तीन बार इसने सपोर्ट ले लिया है अराउंड 3600 के लेवल पे, और एक जो ब्रेकआउट भी आया था वो हमें 3600 के लेवल से देखने के लिए मिल रहा है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आइए, बात करते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, दिमाग खोल करके रख देगा और अगली बार ऐसी भूल आप नहीं करोगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप कंसीडर करो। यहां से इसने एक अच्छा खासा छलांग लगाया और अबाउट लगभग 90 डिग्री का इसने कर्व बनाया, 90 डिग्री के कर्व से मूव किया। और मैं अपने हर वीडियो में लगभग सारे वीडियो में आपको ये बताता हूं कि 90 डिग्री का मूव कभी सस्टेनेबल नहीं होता, सस्टेन नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे इसने जो 90 डिग्री का कर्व बनाया है, इसके साथ भी यही हुआ। बहुत दिन तक मार्केट ने इसको झेला और उसके बाद यहां पे सडन फॉल। अब फिर से क्योंकि ये एक सपोर्टिंग लेवल है तो मार्केट यहां पे सस्टेन कर रहा है। अब आप जान सोचोगे कि भाई ये तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल क्या होगा, गिरता गया तो क्या है माजरा इसका। इस ट्रायंगल पर नजर डालना फ्रेंड, आप सब ये जो ट्रायंगल है इस पर नजर डालना। ये एक ट्रायंगल है, इसको आप लेमन की भाषा में एक चैनल भी बोल सकते हो, ये एक चैनल है। चैनल के अनुसार इसको यहां पे मूव करना चाहिए था, ना कि इसको यहां पे ब्रेकआउट देना चाहिए था। चैनल के अकॉर्डिंग इसको यहां पे ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, इसको यहां पे मूव करते रहना चाहिए था इसी चैनल में, तब एक सस्टेनेबल ग्राफ माना जाता। ओके, तब हम बोल सकते थे भैया ये सही चीज है। इस चैनल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे, ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को इसका प्राइस 3600 होना चाहिए था, जबकि इसका प्राइस इस स्टॉक ने 4780 लगभग 4800 का प्राइस अचीव कर लिया, लगभग 35% ऊपर, जो फेयर वैल्यू है उससे ऊपर प्राइस। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो चैनल है फ्रेंड, इस चैनल में इस स्टॉक को मूव करना चाहिए था, बट इसने पैरामीटर से हट करके ट्रेंड दिखाया और बहुत सारे इन्वेस्टर को ट्रैप करके रख दिया यहां पे। ओके, अब ये चैनल है, इसके अकॉर्डिंग यहां पे जो प्राइस होना चाहिए था उससे लगभग 35% ज्यादा का रिटर्न यहां पे मिला, जो कि फेयर वैल्यूड नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी, इवन फंडामेंटल भी जब मैं आपको बताऊंगा उसमें भी। ठीक है, इसके कारण यहां पे एक मेजर फॉल देखने के लिए मिला। अब क्या है फ्रेंड, आज के डेट में इसका प्राइस लगभग 2900 के आसपास का होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे आकर के ये जो ट्रायंगल वाला मूव है यहां पे आकर के ये खत्म हो गया। इसके बाद एक रिवर्स पैटर्न बनता है, जो कि मैंने इस लाइन से आपको शो करके दिखाया है, यहां पे एक रिवर्स पैटर्न बनता, अब जो कि यहां पे बना नहीं, और इवन अभी भी 2900 के बजाय इसका प्राइस लगभग 3900 चल रहा है।
अभी भी ये फेयर वैल्यू नहीं है, तो ज्यादा चांस क्या है अभी कि हमेशा ये अपने फेयर वैल्यू पे कोई भी स्टॉक आने का पूरा का पूरा, चलो भैया थोड़ा बहुत प्रीमियम चलता है लेकिन ये 30-35% का प्रीमियम नहीं चलता। अब यहां से एक सडन फॉल आने का चांस ज्यादा है, तो जो फर्स्ट टारगेट है डाउनसाइड शॉर्ट सेलर के लिए वो है 2960 अप्रोक्स, आप मान लो 3000 का टारगेट है शॉर्ट सेलर के लिए। अपसाइड के लिए आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो लगभग लगभग 4150 का, 4150 का आप स्टॉप लॉस मान करके चल सकते हो जिसने बाई किया हुआ है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्या है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है और टेक्निकली जो हमें अभी तक देखने के लिए मिला है वो क्या है कि एक सडन फॉल आएगा, उसके बाद ये अपने फेयर वैल्यू की तरफ आने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, उसके बाद सही डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, ये जो बीच का रेंज है यहाँ पे कोई सपोर्टिंग लेवल नहीं है और दो साल में इसने 8 गुना रिटर्न दिया है जो कि इसके फंडामेंटल में कुछ झलकता नहीं है, जिस जो कि इसके रोस वगैरह में कुछ झलक नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी अगर ये लगभग लगभग 650 का था 2020 में, उसके अकॉर्डिंग भी अगर ये 1600 आता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा जैसा कि निफ्टी वगैरह बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड है, करेक्शन अभी आया नहीं है, ये एक्सटर्नल न्यूज यूक्रेन वॉर रशिया वॉर इन सब के कारण, उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, ठीक है, उनके कारण ये फॉल दिखाई दे रहा है, जेन्यून सा फॉल अभी आना बाकी है, ठीक है, मे बी स्लो मोशन में आए, मे बी सडन फॉल के साथ आए, ओके। तो यहां पे एक हेवी फॉल आना अभी बाकी है, अगर यहां पे इस स्टॉक ने 3000 पे सपोर्ट नहीं लिया, उसको क्रॉस किया, तो नेक्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट सेलर के लिए वो होगा 1600 का, बायर के लिए इसको कम है कि इस बीच में, इस रेंज के बीच में कोई रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो जो पहला टारगेट है हमारा वो है 3000 आप मान लो अप्रॉक्स 3000 का शॉर्ट सेलर के लिए, और जो स्टॉप लॉस होगा, जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो होगा अराउंड 4150 के आसपास का। तो आज हमने देखा माइंडट्री का टेक्निकल एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और ऐसे ही ओवरवैल्यूड और अच्छा स्टॉक जो आपका फंड लगभग लगभग 8-10 गुना उसने भी बढ़ाया है, तो उसका टेक्निकल क्या कहता है, उसका टारगेट प्राइस क्या होगा, उसमें अभी भी पैसा लगाना चाहिए या नहीं। ये तो भैया बोल रहा है कि मेरा दम अब निकल चुका है, अब भी पैसा इसमें मत लगाओ, अभी थोड़ा शॉर्ट सेलर को भी कमाने दो पैसे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स का मूवमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, बस यही है, ठीक है। तो अभी आज हमने देखा माइंडट्री के बारे में, ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक्स और उसका एनालिसिस हम आपके सामने लाते रहेंगे, पेश करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक्स।